भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कभी किसी जिले में जाता हूँ तो पहले अपने पार्टी के कार्यालय में जाता हूँ। जैसे मेरे यहाँ सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वैसे मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को यही कहने के लिए आता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में उपमंत्री बाद में है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पहले है, इसे हमारे और कार्यकर्ताओं में कोई अंतर नहीं है या उनको भरोसा दिलाना। आज मैं बहराइच में कुछ सरकारी बैठक भी लूंगा, मेरा माटी मेरा देश का एक कार्यक्रम पार्टी के द्वारा चल रहा है उसका भी हिस्सा बनूंगा। हमारी सदर की जो विधायक हैं अनुपमा जायसवाल जी, पूर्व मंत्री जी, उन्होंने कुछ कार्यक्रम रखा हुआ, उस कार्यक्रम में हमारे मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं और हमारे आप बिहारी जी सबको जानते हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, सबको जानते हैं। सबके साथ यहाँ शामिल होने के बाद हमारे एक कार्यकर्ता दिलीप कुशवाहा जी हैं, उनके घर भी जाएंगे, उसके बाद भी लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन हम सब G20 में ऐतिहासिक सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देते हैं। आज भारत का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ गया है। भारत का सम्मान केवल जब बढ़ता है तो केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं, देश के हर एक नागरिक का सम्मान बढ़ता है और यह बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो रहे हैं, सामरिक दृष्टि से समृद्ध हो रहे हैं। हमारे देश के पास अनेक प्रकार के ऐसे संसाधन, ऐसा विकास हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, जो 60 साल में कांग्रेस ही सबके साथ मिलकर के भी नहीं कर पाए, हमारे आदरणीय मोदी जी 9 साल में करके दिखा दिए। और देश में एक ही आवाज गूंज रही है, तीसरी बार मोदी सरकार। सर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री 3 गाय के 450 की गैस देंगे, क्या उत्तर प्रदेश ने कहा साढ़े 400 का गैस अपनी जनता को दूंगा, तो क्या उनके नक्शे कदम क्या है? देखिए, अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हम जन गरीबों के हित के लिए जो भी काम कर सकते हैं, हर वह काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, हमारे मुख्यमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। गांव हो या शहर हो, सबका साथ सबका विकास के लिए समर्पित। सर, आपके सहयोगी पार्टी ओपी राजभर ने कहा है कि भले ही हम हार गए हैं लेकिन हम और दारा सिंह चौहान मंत्री जरूर बनेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, यह सच है कि हम लोग घोसी का चुनाव हारे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं और हार की समीक्षा पार्टी करेगी और निश्चित तौर से हम लोकसभा मऊ में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां जीतेगा। अभी उपचुनाव में थोड़ा हम लोगों को भी अति आत्मविश्वास था जिसके कारण जरूर हारे हैं, लेकिन हार को जीत में बदलने में देर नहीं लगती। हम लोकसभा का जब योगी आदित्यनाथ जी की सीट गोरखपुर छोड़े थे, जब मेरी लोकसभा सीट फूलपुर छोड़े थे, तब दोनों सीटें हम लोग हार गए थे, तो समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई थी। तो अभी वो गुब्बारे की तरह फूली हुई है, जनता एक कोई स्विच होएगी, हवा निकल जाएगी और कमल खिल जाएगा। धन्यवाद। बगावत भी है जो आपके एनडीए घटक दल में? कोई बगावत नहीं, भाजपा गठबंधन ताकत के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहे। सर, सहयोगी मंत्री जी, एक अहम सवाल सर ये है कि हमारा जिला जो है और तमाम ऐसे जिले हैं जो भारत नेपाल सीमा पे सटे हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी 2024 का चुनाव होने वाला है। ऐसे में एक सबसे बड़ा एक मुद्दा ये निकल करके आया है कि नेपाल में बसने वाले तमाम ऐसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भारत में नागरिकता ले रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग? देखिए, ऐसी कोई अगर जानकारी मिलेगी, कोई शिकायत हो, आप सब पत्रकार मित्र भी देश के नागरिक हो, कोई भी देश में देश के विरुद्ध कोई गतिविधि चल रही तो उसकी जानकारी आप भी दे सकते हो, हम इसकी जांच कराएंगे। अगर सच्चाई इसमें पाई गई तो कोई गलत तरीके से भारत में आकर के बसने और यहाँ की संख्या बढ़ाने, यहाँ का राजनीतिक संतुलन बिगाड़ने आदि की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार उसको गंभीरता से देखेगी। और नेपाल सीमा से लगा हुआ हर जिला हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी जिम्मेदारी है। सीमा की सुरक्षा भी हमारी देश में भी सरकार है, प्रदेश में भी है, वो तो सुरक्षा करेंगे ही। भारत और नेपाल के बहुत अटूट रिश्ते हैं, लेकिन उस रिश्ते की आड़ लेकर के कोई नेपाल के रास्ते से अगर भारत में आ रहा होगा उसकी जांच करके उस पर जो आवश्यक कार्रवाई करें। 2024 में भाजपा साफ हो जाएगी, 14 में आई थी, 24 में साफ हो जाएगी। श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब तो सपा साफ हो गई थी, अब वो उनका 2022 में वो तो सरकार बना रहे थे, नहीं बना पाए। एक सीट जीत लेने से वो गुब्बारे की तरह जो फूल रहे हैं, जनता उनकी हवा निकाल दी।